नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर में। आज बहुत ही बहुत जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज आपको सिखाने वाला हूँ कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों जिनको मालूम है वो वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, पर जिनको नहीं मालूम है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे मेथड्स बताने वाला हूँ। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों ऐसे वीडियो कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप इस फैमिली का हिस्सा हैं तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ में लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर आप मुझे मैक्सिमम लाइक्स देते हैं, अगर मुझे मैक्सिमम लाइक्स इस वीडियो पर मिलते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको ऐसी लर्निंग और करनी है और मोटिवेट हो जाऊंगा आप लोगों को ऐसी वीडियो देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं सीखते हैं कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी दिल्ली की क्लास 24 अप्रैल को है। जो भी बुक करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेड कैसे ट्रेड लेता है, उसकी सोच क्या होती है, उसका सेटअप क्या होता है, तो प्लीज़ ये मास्टर क्लास आपके लिए बनाइए। इस मास्टर क्लास में मैं ऑप्शन चेन के साथ साथ में टेक्निकल एनालिसिस के सीक्रेट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ आपको और बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली पूरा एक सेटअप कैसे बनाया जाए, कैसे आप ट्रेड करें। ऑप्शन ट्रेड करनी हो तो भी मास्टर क्लास इंपॉर्टेंट है, इक्विटी ट्रेड करनी हो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करनी हो तो भी मास्टर क्लास इंपॉर्टेंट है। बुक करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट करके उनको बुक करा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेट चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक्स आपको दिए हैं, जिसमें मास्टर ट्रस्ट का नाम सबसे ऊपर में है, जहां पे मेरा अपना इंडिविजुअल अकाउंट है, मेरी फैमिली के अकाउंट भी वहां पे है। तो अगर आप चाहते हैं आप भी मेरे साथ उसका हिस्सा बनना चाहें तो मास्टर ट्रस्ट का आप आज ही अकाउंट खोल सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर नहीं तो आप किसी और में भी खोल सकते हैं। तो अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो मेरे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को आप हर महीने फ्री एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री, जिसकी कॉस्ट एनुअल फीस 17,700 रुपए है, ट्रायल वर्जन 5,900 रुपए का, उसका बिल्कुल फ्री पा सकते हैं अगर आप वहां पे अकाउंट खोल के एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके लिए किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल लेते हैं। चलिए सामने टाटा पावर है, आजकल टाटा पावर बहुत चर्चा में चल रहा है ना। तो ट्रेंड को समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं ट्रेंड होता क्या है, दिखता क्या है। ट्रेंड तीन तरह के होते हैं, आपको मालूम है, एक तो अप ट्रेंड होता है ना, एक हमारा डाउन ट्रेंड होता है और एक होता है हमारी साइडवेज मार्केट, जिसको हम नो ट्रेंड भी कहते हैं, जहां बाजार एक रेंज में फंस जाता है। अप ट्रेंड का मतलब है जब एक हायर हाई लगातार चला जाएगा, हाई ऊपर जाते चले जाएंगे और लो जो है लो भी ऊपर जाते जाएंगे, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, सबको मालूम है, किताबी ज्ञान है। वैसे ही जब हाईज नीचे की तरफ आने लगे और लो भी नीचे की तरफ आने लगे तो हम उसको डाउन ट्रेंड कह देते हैं, और जब मार्केट एक फेज में फंस जाती है तो उसको हम एक नो ट्रेंड जोन कहते हैं, नो ट्रेड जोन भी कुछ लोग उसको कहते हैं। और इसको जनरली कहा जाता है कि यहाँ पे हमें काम नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस बायर्स की यहाँ पे वाट लग जाती है और ऑप्शन सेलर्स की चांदी हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि बाजार एक रेंज में फंस गया है। ट्रेंड क्यों समझना इंपॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं। जब तक हमको ये मालूम ही नहीं है कि भाई जाना कहाँ है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से पंजाब अगर आपको जाना है तो हमारे यहाँ पे एक जीटी करनाल रोड का एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से हमको मालूम है कि पंजाब की बसेस मिलती हैं। पर फॉर एग्जांपल सोच के देखिए, अगर मेरे दिल्ली के बॉर्डर पे गाजियाबाद भी आता है, अगर मैं गाजियाबाद के बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाऊँगा तो क्या मैं कभी चंडीगढ़ पहुँच पाऊँगा? जी नहीं, गाजियाबाद के बॉर्डर से मैं उत्तर प्रदेश पहुँचने वाला हूँ, गुड़गांव के बॉर्डर से मैं हरियाणा पहुँचने वाला हूँ। वैसे जीटी करनाल रोड पर अगर मैं खड़ा होता हूँ तो वहाँ से मुझे मैक्सिमम रूट पंजाब के लिए मिलते हैं, तो मैं पंजाब पहुँच सकता हूँ टाइम पे बिना किसी दिक्कत के। वैसे ही अगर आप बायर हैं, आप किसी चीज को बाय करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड अप है या नहीं है, क्योंकि अगर आप अप ट्रेंड के स्टॉक को खरीदेंगे और वो कभी नीचे आ भी जाता है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, उसको ऊपर तो जाना ही है, तो आज नहीं कल नहीं परसों कुछ दिन के बाद वो ऊपर जरूर जाएगा, आपको पैसे बनने ही बनने हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप किसी चीज में से एग्जिट होना चाहते हैं और आपके पास वो चीज पड़ी हुई है या फ्यूचर ऑप्शंस में सेलिंग करना चाहते हैं तो आपको डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। गाइस, प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टॉक में काम करना है, किस अंडरलाइंग में काम करना है, इक्विटी में करना है, कमोडिटी में करना है, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, क्रूड में, रिलायंस में, टाटा मोटर्स में, इंफोसिस में, जो आपके पसंद के स्टॉक्स हैं पहले उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, क्या करना है समझ में आ गया। अब क्यों करना है उस ट्रेड को, मतलब उसको बाय करना है तो क्यों करना है, सेल करना है तो क्यों करना है, क्योंकि उसका ट्रेंड वैसा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा दिमाग, सबसे ज्यादा टाइम आपका
ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में लगना ही चाहिए। गाइस आई होप वीडियो पसंद आ रहा है, एक लाइक को हिट कर दीजिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक्स मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर हो गाइस। तो देखते हैं इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के एक तो सिंपल तरीका है, आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन यूज करनी आती है वेल एंड गुड, इस वीडियो आप खुद छोड़ सकते हैं, बट वीडियो में आगे भी बहुत कुछ है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। छोड़ने से अधूरा ज्ञान मिलने वाला है जहां से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे 2-3 तरीके देने वाला हूं जहां पे कम से कम एफर्ट में आप एक अच्छा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन का यूसेज कैसे होता है। वीडियो लंबा हो सकता है, एजुकेशन थोड़ी लंबी ही होती है, लर्निंग थोड़ी लंबी होती है, शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं ना, तो प्लीज टाइम बिताइएगा। तो ट्रेंड लाइन के लिए आपके किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपके सामने ये ट्रेंड लाइन आपको मिलती है। ट्रेंड लाइन कितने तरह से रहती है, एक ये रहती है जो स्लैंटेड रहती है, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ट्रेंड लाइन की तरह यूज कर सकते हैं ना, बट जनरली ट्रेंड लाइन को स्लैंटेड जो एक तिरछी रेखा रहती है, तिरछी लाइन की तरह रहती है, इसको ऐसे 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 आप यूज करते हैं, ये ट्रेंड लाइन का हमारा काम करती है। तो ट्रेंड लाइन को अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ हाई या कुछ लो, फॉर एग्जांपल ये हाई बना है, ये हाई बना है, फिर एक नया हाई बना है, फिर थोड़ा छोटा हाई बना, कोई बात नहीं, फिर बड़ा हाई बना, फिर बाजार ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, ये तो नेकेड आई से दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के इस्तेमाल के लिए जब हम ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो एक हाई से लेके कम से कम 2 या 3 हाई को हम मैच जरूर करेंगे और उसको खींच देंगे और कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो जब 2 या 3 हाईज हमको टच हो जाते हैं तो वो एक ट्रेंड लाइन कहलाती है। ऐसे ही मैं इसके बॉटम्स को भी टच कर सकता हूँ, मैं बॉटम्स को टच करूंगा तो बॉटम्स को टच करते हुए भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर आप कहेंगे सर यही ट्रेंड लाइन है क्या, जी एक ट्रेंड लाइन यहां से यहां भी हो सकती है, देखिए डाउन ट्रेंड में स्टॉक आ गया था यहाँ पे, है ना, यहां से यहां भी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप देखना चाहे तो इस हाई से इस हाई को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का कोई सेट रूल नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट कुछ हाई या कुछ लो उस ट्रेंड लाइन से जरूर टच करें, सो दैट यू कैन मेक अ प्लान कि हाँ भाई ये ऊपर जा रहा है। तो जब ट्रेंड लाइन का मूव ऊपर की तरफ में है, उसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ में है, तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए, अगर हम सोचे कि एक डाउन ट्रेंड के स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, अभी चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें, पहले समझ लेते हैं। कोई स्टॉक नीचे आ रहा है लगातार, ठीक है ना, अब मुझे ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे कम से कम कुछ हाईज या कुछ लोज जरूर मार्क हो जाए ताकि मैं कह सकूं हाँ ये एक ट्रेंड लाइन है। इसको रीड कैसे करना है, बाजार यहां से यहां आया, कुछ देर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, वापस से ऊपर गया। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, नीचे की ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। तो ट्रेंड लाइन एक्चुअली आपको उस समय में उस ट्रेंड का एक मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस भी बताने में हेल्प करती है। तो इसके बेसिस भी आप सोच सकते हैं कि हाँ बाजार काफी देर से इसमें फंसा हुआ है, तो यहां आएंगे तो बाय करने की कोशिश करेंगे, जब भी बाजार इस प्राइस के आसपास आएगा तो छोटा सा सरप्लस लगा बाय करेंगे, फिर बाय करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर से इसके आसपास सेल कर सकते हैं अगर फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइंस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में भी बड़ी जबरदस्त हेल्प करती है। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसको चार्ट के ऊपर भी कुछ स्टॉक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाटा मोटर्स का चार्ट ही है, तो आपके सामने मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे ये कैसे स्टॉक है और ये कैसी ट्रेंड में है। देखिए मैंने कुछ हाई मार्क करने थे, मैंने कुछ हाई मार्क कर दिए, है ना, इसके कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो यहां से अगर मान लीजिए मैं कुछ लो मार्क करने की कोशिश करूं तो मैंने लीजिए कुछ लोज भी मार्क कर दिए मैंने, तो ये स्टॉक का क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये स्टॉक है एक रेंज बाउंड, ये रेंज थी इस स्टॉक की और इस स्टॉक की रेंज को यहां से एक ब्रेकआउट मिला और स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। तो ट्रेंड लाइन में जब ऊपर की जो लाइन होती है हम जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे की जो लाइन रहती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं, जब वो किसी भी डायरेक्शन में स्टॉक उसको ट्रेड करता है, ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स, तो ट्रेंड बदल जाता है, हम इसको कहते हैं ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया। ये साइडवेज मार्केट थी, वैसे इस स्टॉक को अगर थोड़ा सा छोटा करके देखें तो यहां पे देखने की कोशिश कीजिए, यहां पे क्या था लीजिए ये स्टॉक, तो आपको समझ में आ गया होगा ये स्टॉक क्या है, कौन से ट्रेंड में है। जी हाँ, ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में था, यहां से ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, ठीक है। और यहां पे अगर अप
ट्रेंड के अंदर में भी कुछ सब ट्रेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस ट्रेंड को देखने की कोशिश करें तो यहां से लेके यहां तक ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर में था, तो यहां पे अगर कुछ लोज को मार करेंगे तो डाउन ट्रेंड में था, बट ये जब ट्रेंड अप लाइन टूटी, ये ट्रेंड की अप लाइन जब टूटी है आप देख सकते हैं, तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक थ्रू आपको मिला। तो अपर ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करती है तो उसको हम ट्रेंड ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं गाइस। आई होप ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आई होगी, इससे आप अब आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड को देखने का एक और तरीका है, एक तरीका तो था ट्रेंड लाइन का, दूसरा तरीका है कैंडलस्टिक से। कैंडलस्टिक्स में हैकेनिशी कैंडल्स एक ऐसी कैंडल्स हैं जो आपको ट्रेंड बताती हैं, नॉइस कट करती हैं, इसकी वजह से ट्रेड नहीं हो सकता, बट करते भी हैं लोग। बट यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं ये आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बताने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स से इनकी कैलकुलेशंस भी डिफरेंट रहती है, इनका रीड आउट भी डिफरेंट रहता है, इनकी रीडिंग्स भी डिफरेंट रहती हैं। यहाँ पे हमें देखना होता है कि अगर किसी भी हरी कैंडल में अगर अपर विक है, लोअर विक नहीं है, किसी भी कैंडल को देखिए, लोअर विक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपर विक्स हैं। अगर सिर्फ अपर विक्स हैं तो ये अप ट्रेंड का संकेत है, तो ट्रेंड अप है। बट अगर किसी कैंडल के अंदर में अगर आप देखें रेड कैंडल्स को, तो जब नीचे में विक्स हो रेड कैंडल्स में, तो ये एक डाउन ट्रेंड का संकेत होता है ना। बट अगर ऐसी कोई कैंडल्स हैं जहां पे दोनों तरफ की विक हैं, तो ये नो ट्रेंड है, मतलब जो पुराना ट्रेंड चल रहा था उसको आपको होल्ड करना है, इसका ये मतलब होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें, तो जैसे अब हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत ही क्लियर है आपके सामने, देखिए यहाँ पे जब आपने देखा कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ क्योंकि लोअर विक्स की कैंडल बन रही थी लगातार, है ना, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, अपर विक्स की कैंडल्स बनी, ये लोअर विक्स की कैंडल बनी है तो डाउन ट्रेंड है। और जब कोई कैंडल्स ऐसी बन रही है जहां पे आपकी लोअर और अपर विक्स दोनों है, तो आपको उसमें स्टे करना है, पोजिशन से एग्जिट नहीं होना है। तो ग्रीन कैंडल विद अपर विक्स इज अप ट्रेंड एंड रेड कैंडल्स विद डाउन ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, राइट, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। एक और इंटरेस्टिंग तरीका गाइस वीडियो में बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका जो बहुत ही यूनिक है, किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां से हम जल्दी से ये सभी चीजों को हटा देते हैं, बिल्कुल सभी ड्रॉइंग को हटा देते हैं, देखते हैं तीसरा तरीका क्या। तीसरा तरीका ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा आपका फेवरेट इंडिकेटर जो आपको आता है यूज करना, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आप कहेंगे सर RSI से ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके लिए RSI के चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब यहां पे जैसे आप ट्रेंड लाइन को स्टॉक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वैसे ही आपको RSI का भी देखना है ट्रेंड कैसा है। अगर RSI में भी हायर हाई बन रहे हैं तो ये अप ट्रेंड है, पर जब RSI में डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो जाए, अब समझिए जब RSI के अंदर में डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो जाए, यहां से लेके यहां तक मार्क करेंगे तो देखेंगे RSI ने लोअर हाई बनाया और स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया, तो ये इसको हम एक डाइवर्जेंस भी कहते हैं कि RSI की दिशा और स्टॉक की दिशा थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो स्टॉक के अंदर में एक डाउनफॉल आता है, एक डाउनफॉल जरूर आता है जब RSI अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसका मतलब यह है कि RSI में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो RSI के जो हाइज हैं, RSI के जो बॉटम्स हैं, अगर उनको भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप वहां भी एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, अच्छा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ RSI में भी हायर हाई और हायर लो बनने स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। बट RSI को जो 14 इस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 14 पीरियड्स है। अगर मैं डेली कैंडल यूज कर रहा हूँ, डेली चार्ट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पिछले 14 दिन 14 डेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको RSI के फॉर्मेट करके 14 की जगह 8, कुछ लोग 8 RSI यूज करते हैं, तो पिछले 8 क्या 8 दिन, ठीक है। पर अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर RSI लगा रहा हूँ, RSI 8 है, तो पिछले 15 मिनट की 8 कैंडल्स, 8 पीरियड क्या हुआ, 15-15 मिनट के 8 पीरियड्स की RSI ये है। तो ऐसे ही अगर आप RSI को RSI 3 कर देते हैं, तो ये इसका पीरियड है, 3 पीरियड्स है, 15-15 मिनट्स के
पीरियड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको पता लग रही है, तो आप यहां से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं स्टॉक के अंदर में क्या चाल है। इंट्राडे के लिए बहुत से लोग आरएसआई 8 यूज करते हैं, आरएसआई 3 यूज करते हैं, बट मैं जनरली स्टिक करता हूं बेसिक्स पे। जिसने इंडिकेटर बनाया उसे कुछ सोच समझ के बनाया हुआ, तो 14 पीरियड का जो चार्ट है, जो 14 मिनट का जो आरएसआई इंडिकेटर है, वो बहुत ही परफेक्ट काम करता है। और यहाँ पे आप हमेशा सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आरएसआई में डिफॉल्ट 70-30 को आप मार्क कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो मेंटेन होता है। तो यहाँ पे 30 मेंटेन होता है, 30 के नीचे कोई अगर स्टॉक की बात करें, टाटा पावर हमने लगाया है तो 30 के नीचे जाता है, वो कहाँ तक जाता है, 17 तक या 20 तक जाता है, आप देख सकते हैं ना। इसके नीचे नहीं जाता, मैक्सिमम केसेस में इसके नीचे नहीं जाता। तो अगर मान लीजिए स्टॉक आरएसआई 17 के आसपास आ रहा है, तो आप वहाँ पे बाय करने की हिम्मत कीजिए ही कीजिए। वैसे ही स्टॉक 70 के आसपास तो प्रॉफिट बुकिंग कराता ही कराता है, पर कभी कभी अगर आप पीक्स को देखने की कोशिश करें तो 80 भी निकल जाता है, पर 80 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं करता। तो इसलिए जब भी स्टॉक 80 के ऊपर चल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश हम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ही हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के थ्रू भी और आरएसआई के थ्रू भी। आई होप गाइस ये वीडियो कुछ एंटरटेनिंग लगा होगा और आपको कुछ तो लर्निंग शायद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का जो टारगेट है वो कम से कम 5,000 लाइक्स का है गाइस, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, तभी मैं आपको एक और अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ, ऐसा ही कुछ लर्निंग आपको देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आरएसआई को ट्रेंड लाइन को अच्छे से यूज कर पाएंगे, अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। और सीखना चाहते हैं वापस से आपको रिमाइंड करा दूं, प्रोफेशनल क्लास मास्टर क्लास हमारी हो रही है फिर से एक दिन क्लास दिल्ली में 24 अप्रैल को, जिसकी फीस है 17,700 रुपए। आप मात्र 5,900 से अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग फीस आप क्लास से एक हफ्ते पहले सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच लेना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो सी यू इन माय मास्टर क्लास ऑन 24th अप्रैल, और मिलते हैं यूट्यूब पे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए, टेक केयर, जय हिंद।